जहां एक तरफ लोग सालों की मेहनत और लगन से तैयारी कर यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी बनते हैं, तो वहीं मामला बिजनौर से सामने आया है, जहां आईएएस अधिकारी जैसे ठाट बाट पाने के लिए एक युवती फर्जी आईएएस ही बन गई। युवती खुद को आईएएस और केंद्र सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय की अधिकारी बताकर लोगों को और पुलिस से ठगी किया करती थी। अफसर बता डालती थी रेड, पुलिस को बनाती थी मोहरा। पुलिस से सुरक्षा मांगने गई फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस ने अपने आप को आईएएस और केंद्र सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय में अधिकारी बताकर ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला जांच के नाम पर थाने में पुलिस से सुरक्षा मांगने के लिए आई थी, लेकिन शक होने पर जब पुलिस ने पूछताछ की तो यह फर्जी आईएएस अधिकारी निकली। बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में जिले के एसपी के पीछे खड़ी यह महिला बहुत ही शातिर है और बड़े स्तर की ठगी करने में इस फर्जी अफसर को महारत हासिल है। इस फर्जी अफसर का कारनामा बताने से पहले इसका हम आपको तारुफ करा देते हैं। इस महिला का नाम मिनास शेख उर्फ आसमा शेख पटेल उर्फ मिनास मुर्तजा शेख, जो कि पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है। ये महिला अफसर मिनास शेख अपने को भारत सरकार के मंत्रालय महिला एवं बाल विकास की अफसर बताकर जिले भर में ठगी करने का काम करती थी। इस फर्जी अफसर की ठगी करने का तरीका सुनकर आप चौंक ही नहीं जाएंगे बल्कि हैरत में पड़ जाएंगे। मिनास शेख फर्जी अफसर जब दिल्ली से बिजनौर के लिए चलती थी तो बकायदा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जिले के डीएम और एसपी को फोन आता था और इनके जिले में पहुंचने से पहले जिले की पुलिस पूरे सम्मान के साथ इसे जिले में प्रवेश कराती। इतना ही नहीं, ये फर्जी अफसर जिस थाना इलाके में भी गाँव में जाती थी तो बकायदा उस थाने के थानेदार की कुर्सी पर बैठ कर पुलिस पर रोब गालिब करती थी। उसके बाद गांव में जाकर जांच के नाम पर ठगी करती थी। ये फर्जी महिला अफसर मिनास शेख पहले तो हल्दौर थाने में गई और वहां की पुलिस पर रोब गालिब किया। उसके बाद थाने से अपने साथ एक दरोगा और दो सिपाहियों को अपने साथ लिया और सिहारा थाना इलाके के गांव सदोबर और हल्दौर थाना के गांव शाहनगर में महिला उत्पीड़न संबंधी जाँच करने गई थी। इसके बाद इस फर्जी अफसर ने पीड़ितों से ही ठगी भी की। पुलिस को इस पे शक हुआ तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। चीटिंग कर रही थी, थाने में जा जाते। क्या पूरा मामला अरेस्ट हुआ? थाना हल्दौर पुलिस ने आज एक फर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महिला अधिकारी को पकड़ा है। ये अपने एक साथी नासिर अंसारी के साथ मीना शेख थाना हल्दौर पे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और महिला बाल कल्याण मंत्रालय की एक अधिकारी के रूप में थाना हल्दौर पर आई। थाना शहारा हल्दौर के अलग अलग दो प्रकरणों की जांच करने के बहाने पुलिस की सुरक्षा और पुलिस का प्रोटोकॉल टीम मांगी अपने साथ जाने के लिए। बाद में जब थाना प्रभारी को शक हुआ पूछताछ की गहराई से तो निकल के आया कि ये ठगी करने का एक गिरोह है। इस प्रकार से पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं और पुलिस को साथ ले जाकर एक बार ये लोगों के घर में जाके अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद से फिर उनसे ठगी करते हैं कि हम आपका प्रकरण सुलझवा देंगे, ये विश्वास दे के उनसे पैसे ऐंठते हैं। पुलिस टीम ने इस गिरोह में इस मीना शेख को हिरासत में ले लिया है। मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है और इनका एक साथी नासिर अंसारी अभी फरार है, उसको पकड़ने के लिए टीम लगी हुई। कुछ पैसों का पता चल पाया, कितने लोगों से ठगी कर चुके अब तक, पैसे लेकर के कुछ पूछताछ की जा रही है और डिटेल्स आपको बताई जाएगी। ये अफसरों को भी जब थाना में जाकर रोक कोशिश करा का मामला है। बिल्कुल, ये पहले इन्होंने जनपद बिजनौर के डीएम और एसपी दोनों को फोन किया कि जो है हम इस तारीख को आएंगे और हम यहाँ से बोल रहे हैं और थाना प्रभारी को बता दीजिए कि हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं सही करवाई जाएं। इस संबंध में जब हमको भी शक हुआ तो हमने एक जाँच एसपी सिटी महोदय को दे दी थी करने के लिए, वो जांच प्रचलित थी।
इसी बीच में जब ये थाने पर आई हैं तो उसी जांच के मद्देनज़र जब एसपी सिटी और इंस्पेक्टर हल्दौर ने इस प्रकरण की गहराई से पूछताछ की है तो ये पूरा गिरोह खुल के सामने आया। सर, गाड़ी पे भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, साथ में फर्जी आई कार्ड है। इनके पास से विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री का आईडी कार्ड भी है। इन्होंने जो होटल से टैक्सी करी थी उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नंबर एक प्लेट भी लगाई हुई है और अपने आप आई कार्ड और प्लेट लगाकर ही अपने आप को सरकारी अधिकारी बताकर ही इस तरह से ठगी कर रही है। ताबुद्दीन अंसारी, यूपी कर विकास समिति, कहाँ के रहने वाले? शाहनगर थाना हल्दौर। बताओ क्या ये महिला, ये हमारे लड़के का कुछ बीवी से मामला चल गया, क्या मुकदमा चल रहा, तो उसके उसमें आए थे दबाव बनाकर फैसला कराने के लिए। क्या कह रहे? ये कह रहे थे 10 लाख रुपए इन्हें दो और फैसला करो। तो इन्होंने हमारे औरतें बच्चों के साथ ज्यादा बदतमीजी करी और ज्यादा तो मुलजिम वो हैं जो लोग लाए हैं। कोई और भी था इनके साथ? जी, वो बेरखे वाले थे जो हमारे रिश्तेदार होते थे, लड़की पक्ष वाले, वो इनके साथ थे और उन्होंने ज्यादा बदतमीजी करी हमारे घर पर और उन्होंने ज्यादा करी और वो ज्यादा मुलजिम है जो सब पुणे से लाए। हाँ, उनके काम पुणे में, हाँ पुणे मुंबई में है तो वो वहाँ से लेकर आए सर। तो हमारा तो यही कहना कि उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हो इसी पुणे के इसके साथ। बहरहाल, इसके फरार साथी नासिर अंसारी की भी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने फर्जी महिला अधिकारी मिनाज शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।